भोपाल से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मी करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव। संविदा स्वास्थ्य कर्मी करेंगे, बड़ी खबर भोपाल से, नियमितीकरण, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन मान की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बड़ी खबर भोपाल से, प्रदेश के 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य 18 अप्रैल से हड़ताल पर। बड़ी खबर भोपाल से, मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मई को सीएम हाउस घेरने की चेतावनी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी गब्बर, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल है और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव आज करने जा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी छाया, देखिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंचेंगे, अपनी मांगों को लेकर के वहां घेराव करेंगे। नियमितीकरण और नियमित कर्मचारियों से वेतनमान की मांग कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो वह सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना है। पूरे प्रदेश में करीबन 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, 18 अप्रैल से हड़ताल पर हैं और अपने अपनी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जिसके कारण वह नाराज चल रहे हैं। 8 मई से सीएम हाउस का घेराव की भी चेतावनी दी है कि 8 मई को वह सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे, अगर उनकी बातें या जो उनकी जो मांग है वो मांग नहीं मानी गई। जिस तरीके से जो उन्होंने मांगे रखी है अपनी, उनकी मांगे जो है कि उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष उनके लिए 90% रखा जाए। साथ ही जो कर्मचारी में उन कर्मचारियों को नहीं लिया गया तो वो कर्मचारियों को वापसी चाहते हैं, तो उन कर्मचारियों की वापसी हो। साथ ही उसी वक्त में इन पर मामला भी दर्ज हुआ था और मामला दर्ज होने के बाद वो कर्मचारियों को जब अंदर नहीं लिया गया तो उनका कहना है कि जो मामला दर्ज हुआ था वो मामला दर्ज खत्म किया जाए और जो कर्मचारी बचे हुए हैं जिन्हें वापसी नहीं हुई है उन कर्मचारियों की वापसी भी हो और सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें 90% समकक्ष रखा जाए। इसी को लेकर के उन्होंने आज से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सरकार को चेतावनी भी दी थी। कल चूंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के जो एनएचएम का ऑफिस है उस ऑफिस का इन्होंने घेराव किया था, धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था और अपनी बात को रखा था। और कल ही इन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाएंगे और अगर उसके बाद भी हमारी मांग को नहीं सुना गया तो फिर हम 8 मई को सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। तो आज क्योंकि कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर वह पहुंचेंगे, अगर उनकी मांग मान ली गई या आश्वासन दिया गया तो हो सकता है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आंदोलन की जो राह है उनकी जो आंदोलन किया जा रहा है वो स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अगर उनको आज सही तरीके से फीडबैक नहीं मिला सरकार का तो फिर वो आगे के लिए और भी अपनी जो रणनीति उन्होंने बनाई है सीएम हाउस जाने की उस पर कायम रहेंगे। जी जी गब्बर, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर सरकार की कैसी प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? जी देखिए, अभी सरकार की ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि जब कमलनाथ सरकार थी तब मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा था कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है और ये ठेका प्रथा है, ठेका प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए, उन्हें आश्वासन मिला था। इधर कमलनाथ सरकार ने भी कहा था कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे जायज हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि 15 से 18 महीने सरकार रही कमलनाथ की, लेकिन उस वक्त में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद में सरकार गिरी और सरकार के बाद फिर से इलेक्शन हुए और बीजेपी सरकार आई। लेकिन जब से अभी तक 3 सालें हो चुकी हैं और ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तभी से इंतजार कर रहे हैं, अपनी मांगों की लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना है, जिससे वह शिवराज सरकार से मुखर हो गए हैं और अब वो नाराज हैं। उनका कहना है कि शिवराज सरकार ने उनके साथ में धोखा किया है। जब शिवराज सरकार नहीं थी 15 महीने, तब तो शिवराज जी के लिए लगता था कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर,
जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मई को सेम हाउस के घेराव करने की भी चेतावनी दे रहे हैं।